नमस्कार, मैं रिया गुप्ता और आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स। दिल्ली की एक फैमिली कोर्ट ने मेंटल क्रुएलिटी के आधार पर इंडियन क्रिकेट शिखर धवन को उनकी वाइफ आयशा मुखर्जी से तलाक की इजाजत दे दी है। दिल्ली के कोर्ट ने धवन द्वारा अपनी वाइफ के खिलाफ तलाक की पिटीशन में लगाए गए सभी एलिगेशन को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि वाइफ ने अपना बचाव नहीं किया। जज ने आयशा को धवन को अपने बेटे से अलग रहने के लिए मजबूर करके मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने धवन को उचित अवधि के लिए अपने बेटे से मिलने का अधिकार भी दिया, लेकिन परमानेंट कस्टडी पर कोई भी ऑर्डर पास करने से इनकार कर दिया। विशेष रूप से धवन और आयशा ने 2012 में शादी की और 2014 में अपने बेटे जोरावर का स्वागत किया। यह कपल 2021 में अलग हो गया। इसके अलावा कोर्ट ने आयशा को आदेश दिया कि वह बच्चे को मुलाकात के ऑब्जेक्टिव से भारत लाए, जिसमें कम से कम स्कूल की छुट्टियों की आधी अवधि के दौरान धवन और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रात भर रहना शामिल है। अकॉर्डिंग टू धवन पिटीशन, आयशा ने शुरू में शादी के बाद उनके साथ भारत में रहने का वादा किया था, लेकिन अपने पूर्व पति के प्रति कमिटमेंट के कारण ऑस्ट्रेलिया वापस चली गई, जिनके साथ उनकी दो बेटियां हैं। पेटीशन में धवन ने यह भी आरोप लगाया कि आयशा ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खरीदे गए 3 प्रॉपर्टीज में से 99% का मालिक बनने के लिए मजबूर किया। उसने उस पर अन्य 2 प्रॉपर्टीज में उसे जॉइंट ओनर बनने के लिए भी दबाव डाला था। अदालत ने धवन के इस दावे को स्वीकार भी कर लिया कि आयशा ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी बेटियों की भलाई के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस का अनुरोध किया था, जिसके कारण धवन को मानसिक भुगतान तक भरना पड़ा। इस साल की शुरुआत में धवन ने अपनी असफल शादी के बारे में खुलासा किया कि उनकी शादी असफल रही क्योंकि वह लाल झंडे नहीं देख सके। मैं असफल रहा क्योंकि अंतिम निर्णय व्यक्ति का अपना होता है, मैं दूसरे पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन मैं असफल रहा क्योंकि मुझे उस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं थी। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर दीजिए। बने रहे हमारे चैनल फैक्ट इंडिया स्पोर्ट्स में।